गाइस, प्रियांशु दिस साइड, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में पिछले 30 दिनों में कितना इंटरनेट यूज करा है। गाइस, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इजीली पता कर सकते हो किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर कि आपने पिछले 30 दिनों में कितना इंटरनेट यूज करा है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखना है, जिससे कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरे चैनल को ग्रो करने में, एंड इस वीडियो से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। तो यार, आपने अपने सिस्टम को कभी ना कभी इंटरनेट से तो कनेक्ट करा होगा, या फिर आप अपने सिस्टम को होम नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, या फिर पब्लिक नेटवर्क से, या फिर आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से ही क्यों ना कनेक्ट करते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि जिस भी नेटवर्क से आपका सिस्टम कनेक्टेड है उस नेटवर्क के थ्रू आपने पिछले 30 दिनों के अंदर कितना इंटरनेट यूज करा अपने डिवाइस के अंदर और कौन सी एप्लीकेशन ने कितना डेटा यूज करा आपके सिस्टम के अंदर, ये सब आप इजिली पता कर सकते हो। यार, सबसे पहले तो आपको उस नेटवर्क से अपने डिवाइस कनेक्ट कर लेना है जिस भी नेटवर्क का डेटा यूसेज आप देखना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो वाईफाई से कनेक्टेड है। अब अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको विंडो लोगो के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको सेटिंग सर्च करना है। अगर आप सेटिंग सर्च नहीं करना चाहते हो और अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो, आप डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग के ऊपर जा सकते हो। विंडोज सेटिंग ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका नेटवर्क स्टेटस आपको शो हो जाएगा, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पर मेरे वाईफाई का नेम शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर भी मैच कर सकते हैं मेरे वाईफाई का नेम, आप देख सकते हैं दोनों वाईफाई सेम है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा जो लैपटॉप है जिस वाईफाई से कनेक्टेड है उसका डेटा यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है, यानी कि अभी तक मैंने पिछले 30 दिनों के अंदर अपने लैपटॉप में इस वाईफाई से 16.33 GB डेटा यूज कर लिया है। यहाँ पर अगर आपको और डेटा यूसेज देखना है, यानी कि अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखना चाहते हो कि कौन सी एप्लीकेशन ने कितना डेटा यूज करा आपके सिस्टम के अंदर, आपको सिंपली यहाँ पर डेटा यूसेज के इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा यूसेज स्टेटिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक मेरे सिस्टम ने 8.26 GB यहाँ पर यूज करा विंडोज 10 अपग्रेड, यानी कि एक विंडोज 10 अपग्रेड असिस्टेंट मैंने यूज करा था विंडो को अपग्रेड करने के लिए, उसने यहाँ पर 3.91 GB मेरा डेटा यूज करा था मेरे इस वाईफाई से। इसी के साथ मैंने ब्रेव ब्राउजर के अंदर यहाँ पर 3.45 GB यूज करा था, एंड बाकी के जितने भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो कर रही है। तो गाइस, इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर आपने पिछले 30 दिनों के अंदर किस नेटवर्क से कितना डेटा यूज करा है। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपको ये वीडियो कितना ज्यादा काम आया। गाइस, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, जिससे कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए मेरे चैनल ग्रो होने में, एंड आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे कंप्यूटर से रिलेटेड।